गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेस एंड आर स्टडिंग प्रॉपरली वॉट एवर इज बीइंग टॉट टू यू ऑल। टुडे इन दिस वीडियो ऑफ क्लास 7th बायोलॉजी विल बी डीलिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर क्या था आपका? चेंजिंग डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज कर रहा हो डे टू डे, आर टू आर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेदर बोलते हैं। और सिमिलरली वेदर के डेटा का कलेक्शन फॉर अबाउट 20 to 25 years गिव्स क्लाइमेट। नाउ हाउ विल एडाप्ट आर सेल्फ टू दिस वेदर एंड क्लाइमेट इज द एडाप्टेशन, क्लियर? So let's see the first one, adaptation to hot and wet climate, that is tropical rainforest. Adaptation to hot and wet climate, that is tropical rainforest. Animals, birds, कैसे अपने आप को tropical rainforest में adapt करते हैं, वहाँ रहने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? The tropical regions are located near the equator. जो ट्रॉपिकल रीजन्स हुआ आपका, ऐसे जो आपका अर्थ होता है, अर्थ में ये इक्वेटर हुआ, इक्वेटर के बाद ये और ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों के रीजन के बीच का जो जगह है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। बिटवीन द ट्रॉपिक्स, दैट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन सदर्न हेमिस्फेयर, इन दोनों के बीच के जगह को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ओके। एंड इट इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के बगल में होते हैं ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं आपके, ठीक है। ये इक्वेटर हुआ, ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये इक्वेटर के नज़दीक में होते हैं। दे हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इनका क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है, क्यों? जिस बिकेज वी नो जो इक्वेटर है आपका, वो हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर होता है वहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर कहाँ होता है आपका? इक्वेटर के पास में। ऑल्सो इट गेट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, सो वी हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इक्वेटर के बगल में जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट। Since the kind of climate supports plant growth, the tropical regions are full of dense rainforest. और hot and wet climate क्या करता है? Plant growth को support करता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि plants को grow करने के लिए enough amount of sunlight का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ availability of water भी होना ज़रूरी है, ठीक है। Sunlight का होना और साथ ही साथ water का होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे तो दोनों चीज़ मिल जाते हैं आपके, सनलाइट भी इनफ अमाउंट में मिलता है और रेगुलर रेनफॉल होता है, इसके कारण वाटर का सप्लाई भी रेगुलर होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स या दोनों डिमांड्स इनका पूरा होता है, इसके कारण यहाँ पे कैसे हैं, डेंस रेन फॉरेस्ट हैं आपके, रेन फॉरेस्ट डेंस हैं। द रेन फॉरेस्ट सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और जो डेंस फॉरेस्ट है आपका वो लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स को सपोर्ट करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट, कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। और यहाँ पे एनिमल्स क्यों होते हैं बहुत ज़्यादा? जिस बिकॉज इट हैज़ गॉट वार्म क्लाइमेट, टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, साथ ही साथ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है रेनफॉल के कारण, और लास्ट में है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फूड, मतलब यहाँ पे As you know, it has got many varieties of animals and plants. तो क्या होता है? They get food equally. Animals को food या तो छोटा animals जिसे वो eat करते हैं, खाते हैं, उनसे मिल जाता है, या फिर plant से मिलता है. So they get their food requirement from this place. But their large number also means intense competition for food and shelter. और इनके पास large numbers होते हैं, इसके कारण क्या हुआ कि इंटेंस कंपटीशन, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है फूड और
शेल्टर के लिए। अब अगर एग्जांपल लो आपका, एक आपका रूम है, उस रूम में आप दो आदमी रहते हो, यू कैन क्लियरली फाइंड आउट दैट यू कैन ईजिली लिव इन दैट रूम, बट एट द सेम प्लेस इफ 10 ऑफ यू स्टार्ट लिविंग इन अ सिंगल रूम, व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट गेट एनफ स्पेस फॉर ईच अदर। ठीक है, आपको एनफ अमाउंट ऑफ स्पेस नहीं मिलेगा, क्लियर। सो इट देर विल बी अ इंटेंस कॉम्पिटिशन। आया समझ में? अब देखते हैं आगे और क्या है। नेक्स्ट है आपका, मैनी एनिमल्स इन रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज। और जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे एनिमल्स ट्रीज पे रहना पसंद करते हैं या अपने आप को अडाप्ट कर लिए हैं पेड़ पे रहने के लिए। ट्रीज गिव देम शेल्टर, हाइडिंग प्लेस फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड ऑल्सो सप्लाई देम विथ फूड। ट्री क्या देता है? शेल्टर देता है, रहने का जगह देता है, हाइडिंग प्लेस फ्रॉम प्रेडेटर, यानी छोटे एनिमल्स जिनको बड़े एनिमल्स ईट करते हैं, ठीक है, खा जाते हैं, वैसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, वैसे छोटे छोटे एनिमल्स को खुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ऑल्सो सप्लाई देम विथ फूड, और उन्हें खाना भी प्रोवाइड करता है ट्रीज। ठीक है, द रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन ट्रीज एंड हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट दैट इज यूज टू क्लाइंब ट्रीज। और जो रेड आइड फ्रॉग होता है आपका, ठीक है, वो स्टिकी पैड्स होते हैं, वो जो उनका फ्रॉग का फीट होता है उनमें स्टिकी पैड्स होते हैं, जो फीट का स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग पैड्स बोलते हैं, और उनसे स्टिकी होने के कारण क्या होता है, इट हेल्प देम टू क्लाइंब ऑन ट्रीज प्रॉपरली। नेक्स्ट इज लायन टेड मकेव इज अ गुड क्लाइंबर एंड लिव्स ऑन ट्रीज, इट गेट्स ऑल फूड रिक्वायरमेंट इन नीड्स ऑन ट्रीज एंड हार्डली एवर कम्स डाउन, इट मेनली इट्स फ्रूट्स एज वेल एज अदर प्लांट्स पार्ट्स। और ये प्लांट्स जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, दे लिव ऑन ट्रीज, दे हार्डली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, क्यों, क्योंकि इनका जो भी फूड रिक्वायरमेंट होता है वो ट्री पे फुलफिल हो जाता है, वहीं पे पूरा हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इट कैचेस इंसेक्ट्स फ्रॉम अंडर द बार्क ऑफ अ ट्री। और जो ट्री का जो बाहर का जो आपका कवरिंग होता है उसे हम बार्क बोलते हैं, उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है उसे भी ये लोग एनिमल्स ईट करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट इज सम एनिमल्स ईट फूड दैट इज ईटन बाय नो अदर एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वो खाना खाते हैं जो कोई और दूसरा एनिमल्स नहीं खा पाता है। फॉर एग्जाम्पल टॉकन यूजेज इट्स लॉन्ग लार्ज बिल टू रीच फ्रूट्स ऑन वीक ब्रांचेज दैट कैन नॉट बियर इट्स वेट और वेट ऑफ अदर एनिमल्स। और टॉकन नाम का एक आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दैट टेक्स फ्रूट्स फ्रॉम ब्रांचेस, ऐसा ब्रांच जो बहुत पतला हो, जो या तो खुद का वेट नहीं संभाल पा रहा हो या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का वेट नहीं संभाल पाएगा, वैसे ब्रांचेस से आपका टॉकन फूड को लेता है, ठीक है, फ्रूट्स को लेकर के अपने फूड को प्राप्त करता है, फूड को ईट करता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सेवरल एनिमल्स हैव अ स्किन कलर दैट कैमोफ्लेज देम विद द बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल जैगुआर हैज स्पॉटेड स्किन, इट मर्जेस वेल विद द स्पेकल्ड शैडोज ऑफ द रेन फॉरेस्ट फ्लोर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू बी सीन, दिस हेल्प इन हंटिंग। और क्या होता है कि कुछ एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडाप्ट कर लेते हैं, इसके कारण क्या होता है वो उन एनिमल्स को हम जल्दी से देख नहीं पाते, ठीक है, एंड दिस हेल्प दोज एनिमल्स टू गेट देयर प्रे और कैच देयर प्रे ईजिली, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका क्या है, एलिफेंट के बारे में, द एलिफेंट इज़ वेल अडाप्टेड टू लिविंग इन रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक एज अ नोज। और जो एलिफेंट है इनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है जस्ट बिकॉज इट हैज़ गॉट लॉन्ग ट्रंक। नेक्स्ट इज इट यूजेज इट्स ट्रंक टू पुल डाउन फ्रूट्स एंड लीव्स टू ईट। और ये इसके पास लंबा ट्रंक है तो वो क्या करते हैं, पेड़ से लीव्स और फ्रूट्स को नीचे तोड़कर लाते हैं
इन ऑर्डर टू गेट देयर फूड. नेक्स्ट इज इट यूजेज इट्स टस्क टू टीयर द बार्क फ्रॉम ट्री विच इट इट्स, और ये अपने टीथ का यूज़ करके बार्क ऑफ ट्रीज को सेपरेट करते हैं और उसे खाते हैं. एंड लास्ट इज इट यूजेज इट्स लॉन्ग ईयर्स टू हीयर इवन सॉफ्ट साउंड एंड ऑल्सो टू कूल इट सेल्फ इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. और इनका जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ लार्जर इन साइज, उनको यूज़ करते हैं ये सॉफ्ट साउंड को सुनने के लिए और साथ ही साथ टू कूल इट सेल्फ इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. क्लियर? तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हुए जो एलिफेंट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में रहने में हेल्प करता है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग.